यूपी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठनों ने भगवा चोले को ढाल बनाया है। आतंकी संगठनों ने किशोर उम्र के आतंकियों को साधु और तांत्रिक के वेश में प्रशिक्षित कर यूपी में उतार दिया है और ये लोग प्रमुख धार्मिक स्थलों के अलावा प्रतिष्ठित संस्थानों को भी निशाना बनाने की तैयारी में है। एमपी पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट से जानकारी मिलने के बाद यूपी की सुरक्षा शाखा ने सभी जोन के आईजी, रेंज के डीआईजी, जिलों के कप्तान और एसएसपी रेलवे को अलर्ट कर दिया है और इसके अलावा शुक्रवार की रात से खुफिया एजेंसियों को भी चौकन्ना कर दिया गया है। तो आतंकी संगठनों ने आपको बता दें कि अब एक नए तरीके से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की तैयारी की है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे अपने संवाददाता अभिषेक का, जो सीधा लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिहाज से आपको कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर हमला कर सकते हैं आतंकी? या बिल्कुल, अलर्ट जारी किया गया है और निश्चित तौर पर इससे पहले कई सारी ऐसी घटनाएं थी जो इस तरह के खतरे की घंटी को बजा रही थी। आईबी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था, खुफिया एजेंसियों की तरफ से बार बार इस तरह के नोटिफिकेशंस भेजे जा रहे थे यूपी पुलिस के आला अधिकारियों को कि कई सारी घटनाएं अंजाम देने की साजिश चल रही है। खुरासान मॉड्यूल के एक खतरनाक आतंकी का यहां लखनऊ में ही एनकाउंटर होता है, जिसके बाद खुरासान मॉड्यूल के आईएसआईएस के कई आतंकी पकड़े भी जाते हैं, गिरफ्तार भी किए जाते हैं, हिरासत में लिए जाते हैं। और अब एक और बड़ी सूचना सामने आई है कि कुछ लोग धार्मिक स्थलों पर भगवा कपड़ों की आड़ में इस तरह की घटना देने की, अंजाम देने की साजिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है और कई सारी ऐसी घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी है जब धार्मिक स्थलों पर पेनिट्रेट करने के लिए सुरक्षा के जो भी दायरे होते हैं इस तरह की चीजों को इस्तेमाल कर किया जाता है। लिहाजा खास तौर पर इन सारी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। जो भी आसपास सटे हुए बॉर्डर्स हैं उन्हें पूरी तरह सील किया जा रहा है, सुरक्षा बढ़ाई गई है। साथ ही बड़ी तब्दीलियां खासतौर पर प्रमुख धार्मिक स्थलों की हम बात करें या फिर धार्मिक स्थलों के अलावा प्रतिष्ठित जो संस्थान है उनको निशाना बनाने की तैयारी में है। तो किस तरीके से लखनऊ में कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा तैनात की गई है? या बिल्कुल, लखनऊ के पॉर्श इलाकों की बात करें या पूरे सूबे की बात करें तो लखनऊ में हार्ट ऑफ द सिटी है हजरतगंज, जिसकी बात कही जाती है, वहां पर शाम को बहुत ज्यादा चहलकदमी होती है। इसके अलावा और भी कई ऐसे इलाके हैं शहर में जहां पर बड़ी तादाद में आबादी है। साथ ही धार्मिक स्थलों की बात की जाए तो लखनऊ में कई ऐसे प्राचीनतम मंदिर है जहां पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं। जी चलिए अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो धार्मिक स्थलों पर हमला कर सकते हैं आतंकी, आतंकी संगठनों ने कम उम्र के आतंकियों को बकायदा ट्रेनिंग दी है और यूपी में उतार दिया है।